जनता की आवाज़। मैं राम भरत भारद्वाज, आज हम फतेहपुर विद्यालय में उपस्थित हैं। आज आइए, हमारे साथ अध्यापक गण भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि आज का नए पंचायत स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, कैसे कैसा रहा और उनसे जानते हैं। जिससे बताएं, मैं ओम प्रकाश मौर्य, प्रभारी प्रधान अध्यापक जूनियर हाई स्कूल फतेहपुर तालतो एवं ओम प्रकाश उच्च प्राथमिक जिला स्काउट मास्टर बेसिक शिक्षा जनपद मऊ। मेरे ही देख रेख में आज उच्च प्राथमिक विद्यालय में बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का नया पंचायत स्तरीय आयोजन हुआ है, जिसमें कुल 9 विद्यालय के बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर की दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, खो खो, कबड्डी आदि खेलों का आयोजन हुआ है। अभी खेल चल रही है, बच्चे पूर्ण उत्साह से प्रतिभाग किए हैं और बच्चों को आज यहाँ पर फल का वितरण किया गया है। इसके साथ ही सारे बच्चों को भोजन की व्यवस्था की गई है। लगभग कुल विद्यालयों के बच्चों में ऐसा उत्साह रहा कि लगभग 650 बच्चे उपस्थित रहे और उन विद्यालयों के शिक्षक भी उपस्थित रहे। जो हमारे शिक्षक बंधुओं ने उन बच्चों में कला कौशल का विकास किया है और अपने हुनर को दर्शाया है, उन शिक्षकों का हुनर उन बच्चों के सिर माथे चढ़कर बोल रहा था और वो बच्चे अपनी टीम को जिताने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। और उन बच्चों का उत्साह देखने को मिल रहा था कि बच्चे 7 बजे विद्यालय प्रांगण में आ गए और अभी तक जमे हुए हैं और यह खेल जो है अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। कुछ ही देर में अन्य खेलों का भी परिणाम आ जाएगा। इसके बाद बच्चों को पुरस्कार वितरण की और शील्ड की भी व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। हमारे साथ ग्रामसभा के प्रधान जी हैं, प्रधान जी हैं, इनका भी सहयोग है। अध्यापक वर्ग के साथ साथ बच्चे यहाँ बहुत उत्साह के साथ अपने अपने कौशल का परिचय दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कबड्डी, खो खो, लॉन्ग जंप, ऊंची कूद इत्यादि खेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे ने बहुत सुबह से ही बहुत बड़े संख्या में भाग लेकर अपने अपने स्कूलों का नाम रोशन कर रहे हैं। ये मैं ग्राम प्रधान श्राम से प्रतिनिधि प्रधान प्रतिनिधि हूँ, कुछ प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर मंडा शिक्षा आया हूँ यहाँ और एक अभिभावक के तौर पर भी आया हूँ। यहाँ शिक्षकों का लगन और मेहनत देखते हुए हम लोग बहुत उत्साह हुए हैं, बहुत खुश हुए हैं और हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह से हर साल शिक्षक बच्चों को व्यवस्था किया जाए। मैं मोतीलाल प्रजापति, प्रभारी प्राध्यापक कपोजिट विद्यालय गढ़वल से इस खेल में न्याय पंचायत स्तरीय बाल प्रतियोगिता में खेल में भाग लेने हैं। तो अपने विद्यालय से 55 बच्चों को लेकर के जिसमें 25 बालक वर्ग और 30 लड़कियां बालिका वर्ग से हैं और 4 अध्यापक गण हम लोग आए हैं और इस खेल में बहुत अच्छा अपना योगदान किए हैं। और उसी को जिसका श्रेय में भी हमारे बच्चों ने श्री भाग किया है। मैं बबन प्रसाद आर्य, सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय के यहाँ से इस खेल बाल बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के खेल में मुझे निर्णायक मंडल में नियुक्त किया गया था। मेरे देख रेख में ही अब सारे खेल हुए, जिसका निर्णय मुझे देने का अवसर मिला और बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ जो है खेल में भाग ले रहे थे और सारे बच्चे। आपसे एक सवाल है कि बच्चों को खाने पीने की भी व्यवस्था आप लोग किए हैं, जी इसमें क्या क्या था? जी बच्चों को खाने के लिए छोला बना था, पूड़ी बनी थी, चावल बना था और उसमें उनको फल वितरण किया गया किसान के रूप में। अंतिम समय में भी फिर भी जाएंगे। हेलो,